चारा कुछ ये तो काफ़ी ज़्यादा सूख गया, तो इसलिए अबू जान ने इसे कहा ऐसे पड़ा रहने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी कर दें, शुक्रिया। तो कोट पहनना हुआ, हल्की हल्की सर्दी है, तो अभी कॉलेज कुछ ही देर में जाऊँगा ज़रूर। बाहर की कुछ ये सूरत हाल है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब था, टोए वगैरह थे तो मिट्टी फेंकने स्टार्ट की है मैंने, तो रेडी बाय लेकर आया हूँ और कई तो इससे डाल डाल के मिट्टी फेंक रहा हूँ अंदर। तो भैंसे जब चलती ऐसे ऐसे चलती हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा ख़राबी कर देती हैं, टोए से बन जाते हैं खड्डे से, तो फिर उनको भरने के लिए यहाँ पर मिट्टी की तो ट्राली फंकवाई थी, इससे ही कुछ फेंक दूँगा, बाकी यहाँ पर ही सीधी कर देंगे। तो भी फेंकता हूँ जी, ये काम कंप्लीट करूँगा और फिर कॉलेज जाऊँगा। तो पैसे भी आज बाहर बांधनी है तो वो भी बांध दूँगा और फिर जाएंगे कॉलेज, वो भी तकरीबन 8 से 10 मिनट बाकी हैं, तो काफ़ी टाइम अभी पड़ा है। अभी मिट्टी की ट्रालियाँ भरने की मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, तो एक और भर दी। ये चाचू जी यहाँ पे अपनी छेल रखने लगे हैं, क्योंकि अभी सिटी जाना है तो फिर रास्ते में काफ़ी ख़राबी होगी इससे, तो फिर यहाँ से उठा लेंगे। तो अभी सिटी जाने लगे हैं, मैं जी अपना काम करता हूँ। इन्होंने जाना है जी मंडी, वहाँ से कुछ सब्ज़ी वगैरह लानी है, तो इसलिए छेल जो अपनी यहाँ पे रख देंगे और फिर मंडी से वापसी पर ये उठा के ले जाएंगे, और यही हिसाब है सारा। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर छेल बनाते हैं, भैंसे वगैरह रखी हुई हैं एक एक दो दो। तो अभी मैं तो अपनी रेड़ी फेंकता हूँ। मिट्टी का रंग काफ़ी अच्छा है और नीचे से निकाली गई है, पहले क्रेन से ऊपर से होती थी तो उसका रंग डली सी होती थी इस तरह की वाइट वाइट, तो अभी तो काफ़ी अच्छी मिट्टी है, कलरफुल। माशाल्लाह, ये हाथ वगैरह धो रहे हैं तो फिर वो चले जाएंगे और बाद में इसे उठा लेंगे। अभी मिट्टी की ट्राली ले आया हूँ, तो एक और दो वो, तो अभी ये वाली वहाँ पे फेंकता हूँ, बाकी और 3-4 फेंकनी है यहाँ पे कुछ आगे, तो वो कल फेंकूँगा। 4 तो तकरीबन आज हो गई, वो कल फेंक लेंगे। और अभी ये वाली भी पड़ी है, ये तो छत पे लगानी है, बाकी हमारी छतें पक्की हैं, और ये वाली जो बरामदे वाली छत है ये कच्ची है, तो इस पर लगानी है गीली करके, तो इसलिए ये रखी हुई है, तो ये ज़रूर लगाएंगे। और इसलिए भी अच्छी मिट्टी है, कलर भी इसका अच्छा, ऊपर से वाइट हो गई है पड़ी पड़ी, तो नीचे से ये भी बिल्कुल इस कलर की ही है। मिट्टी की जो ढेरियाँ थी वो मैंने ही बिखेर दी, मैंने कहा कौन इस मुसीबत में पड़ा रहेगा, कुछ यहाँ पे और वहाँ पे और कुछ इस साइड पे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राबी थी तो काम ख़राब था। अभी और 2-4 फेंकेंगे तो फिर ठीक हो जाएगी। ये देखें, ये जगह तो फिट हो गई अभी, और हले यहाँ से उठा लेंगे, क्योंकि अभी जानवर बाहर बांध देंगे तो यहाँ पे सिलसिला ख़त्म कर देंगे जानवर बांधने का, बस पक्की सोलंग पे ही बांधेंगे बस, और इसके अलावा यहाँ पे नहीं बांधेंगे, इसलिए यहाँ से खूबसूरती सफाई सारी कर देंगे, खूबसूरती कर देंगे। इन बूट्स को देख कर एक बात मुझे याद आ गई, जब मैं तकरीबन 4थी या 3री जमात में था तो एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था, वो बिल्कुल इस तरह के प्लास्टिक के बूट पहन कर आता था स्कूल में, तो मैं वो तब देख के ऐसे होता था ये इसने कैसे अच्छे बूट पहने हुए हैं, तब ये बूट न्यू न्यू आए थे, अभी तो हर एक पहनता है। अभी कुछ 2:30 बजे का टाइम है और निशान भाई की जो वैक्सीनेशन है वो करवाने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पुलिस में अप्लाई किया था, कागजात वगैरह जमा करवाए थे, तो उन्होंने कहा कल आप आ जाएँ, तो अभी चलने लगे हैं, उन्होंने कहा वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, तो वो भी वैक्सीनेशन आज करवाएंगे और कल फिर चलना है जो पेपर्स वगैरह जो भी क्लियर करने पुलिस का। शान भाई ने कोरोना का जो सर्टिफिकेट वो भी निकलवा लिया, वैक्सीन भी लगवा ली, सारा ओके हो गया, तो कल लेकर चले जाएंगे, और स्लिप भी निकलवा ली, तो अभी नई बल्ले आए हैं जी आने माशाल्लाह, कागजात वगैरह पकड़े हुए हैं निकलवा लिए सारे। हम लोग सीधा गए जी सिटी,
तो ज़ीशान भाई की जो वैक्सीनेशन वो करवाई। वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल था काफ़ी, कैमरे वगैरह तो काफ़ी वहाँ पर सीक्रेट था, तो इसलिए वीडियो नहीं बना सका। तो कोरोना वैक्सीन पर भी उन्होंने औरतें बिठाई हुई हैं लड़कियाँ, तो मर्द को तो मर्द ने ही टीका लगाना चाहिए। तो पाकिस्तानियों का हाल देखें, औरतें बिठाई हुई हैं, वही टीका वगैरह लगाती हैं और पर्ची वगैरह देती हैं, तो यही सारा सीन है। तो ज़ीशान भाई को टीका लग गया, तो उसकी जो सुई होती है वो जो इंसुलिन होती है शुगर वगैरह लगाते हैं, उस तरह की सुई बारीक सी है लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई में, तो वो थी उन्होंने लगा दी। तो बाजू को कहते हैं कुछ इस तरह से करें, यहाँ पे लगा देते हैं, तो उसने लगा दी। और उसके बाद पर्ची वगैरह दी, तो वहाँ दूसरी साइड पर जाके कंप्यूटर में दर्ज करवा दिया। तो उसके बाद सिटी में गए, तो वहाँ से हमने सोचा निकलवा लेते हैं जी सर्टिफिकेट, तो रुपीज़ हमारे पास नहीं थे, तो फिर चिल्ला मोड़ आए तो वहाँ से निकलवाए। तो उन्होंने तो 120 रुपये ले लिए, कागज़ है उस पर इसका नेम वगैरह, आईडी कार्ड नंबर और बाकी एवरीथिंग, तो उसके उस पर लिखा हुआ है एक डोज लग गई और ये वो चीज़ें, तो 120 रुपये ले लिए। और आज गोभी का सालन बनाना था, तो अम्मी जान ने कहा गोश्त ज़रूर लाएँ, तो गोश्त लिया। तो गोश्त का रेट भी काफ़ी बढ़ गया, 377 रुपये हो गया फ़ी किलो, तो काफ़ी महंगा हो गया गोश्त, लाई खैर करें। तो सुबह ज़ीशान भाई जाएंगे पुलिस का जो पेपर रिटर्न टेस्ट देने फैसलाबाद, शायद मैं भी साथ जाऊं, अगर जाऊंगा तो आप लोगों के साथ भी सारा हालात शेयर करूंगा कि क्या बना क्या हुआ सारा। और अभी चारा कुछ ये तो काफ़ी ज़्यादा सूख गया, तो इसलिए अबू जान ने इसे कहा ऐसे पड़ा रहने दें, इसे रहने देते हैं, कभी कभार जब ज़्यादा सब्ज़ हुआ चारा तो इसे साथ में काट लेंगे, नहीं तो ये पड़ा रहे। और आज कुछ इतना, और अभी तो पड़ा है शाम वाला। तो अभी पाकिस्तान जो है ढाका में पाकिस्तान की टीम गई हुई है, तो लोग बहुत शौक से मैच देखते हैं, शायद अभी भी लगा हुआ है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। तो हमने तो बस वर्ल्ड कप तक ही देखा, T20 वर्ल्ड कप तक ही, तो बाकी काफ़ी लोग आगे भी देखते हैं पाकिस्तान का जो भी मैच हो, जो शौक़ रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट का, तो वो काफ़ी ज़्यादा देखते हैं मैच। फ्रेश होया था तो उससे देखें उसके बाद कैसे सफ़ेद सफ़ेद सी हो गई रुई, और रुई बन गई ये कुछ, तो ये भी कई बार फ्रेश होते हैं तो इस तरह की बन जाती है, काफ़ी बार मैंने देखा है वैसे ही फ्रेश पे हो जाता है ख़राबी। तो LCD पहले यहाँ वहाँ पर पड़ी थी, अभी वो लगा दी ड्राइंग रूम में, तो यहाँ पे पड़ी सेफ नहीं थी, चारपाई के ऊपर गिर सकती थी, मसला हो सकता था। तो उसकी असल जगह भी वही थी, वही है जो रूम है ड्राइंग, तो इसलिए वहीं पर लगा दी। अभी यहाँ पर TV ऑन कर दिया है डिश के साथ, तो वो चलता रहेगा। अभी अबू जान भैंसों का चारा काट रहे हैं जी, तो रात हो गई, अभी अंधेरी रातें आ गई हैं, जो रात को काफ़ी अंधेरा होता, नहीं तो चांदनी रातें होती हैं, रात को काफ़ी चांदनी होती हैं। तो इसके साथ आज को ब्लॉग करते हैं जी, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।